एचयूएल और आईटीसी, इस पर क्या सलाह होगी आपकी प्रदीप इस समय? देखिए, FMCG एज अ पैक मेरे हिसाब से कंसोलिडेशन के फेज़ में है। यहाँ पे हमारे जो पसंदीदा शेयर हैं वो मेरिको है और गोदरेज कंज्यूमर पैक है FMCG पैक में। HUL की पर्टिकुलरली बात करें तो मेरे हिसाब से जो रेजिस्टेंस है वो इसका वीकली चार्ट्स पे अपर बैंड ऑफ बॉलिंगर है, जो इसका प्रीवियस टॉप भी है जो 883 के आसपास प्लेस्ड है। तो ये रेजिस्टेंस क्रॉस होना ज़रूरी है, उसके बाद ये 917 तक की अप मूव दिखा सकता है, तो फिलहाल ये रेजिस्टेंस समझना चाहिए। और ITC पे ये रुझान है कि जो एक बजट के बाद जो रैली आई थी उसमें ये 333-334 तक गया था, तो वो एक इम्पॉर्टेंट हर्डल है, वो क्रॉस होता है फिर इसमें ये अपमूव आ सकती है। तो दोनों ही केस में कंसोलिडेशन का फेज़ है और जो रेजिस्टेंस लेवल मैंने बताया वो क्रॉस होना ज़रूरी है।